तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सेंटर में। हर रोज़ के भांति आज भी मैं आप सबके लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी लेकर आया हूँ, ख़ास करके जो नौजवान और युवा जॉब खोज रहे हैं। मैट्रिक के बाद जॉब चाहिए, इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद अगर किसी को जॉब चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया पोस्ट ऑफिस के लिए 38,926 वैकेंसी निकाला है, जिसको मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और ये जो है, इसमें एप्लीकेशन डेट कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, एप्लीकेशन फ़ीस कितना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक एक चीज़ मैं आप सबको बताऊंगा। तो ये जो है आप लोग के सामने नोटिफिकेशन है, यहाँ सामने पे एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए लिया जा रहा है, सभी चीज़ को बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। तो चलिए बात करते हैं। एप्लीकेशन का सबमिशन जो होगा वो ये वेबसाइट रहा, आप इस वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in। यहाँ बेसिकली दो पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। तो चलिए एक एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊँगा। चलिए एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है ये आपका 2/5/2022 यानी 2 मई 2022 से शुरू होगा और 5 जून 2022 तक डेट लास्ट डेट है, 5 जून 2022 तक डालना है। उसके बाद ये है BPM है, ये मैनेजर का पोस्ट है BPM, और ये डाक सेवक का पोस्ट है। BPM में अगर आपका होता है तो 12,000 का सैलरी है और डाक सेवक में 10,000 का सैलरी है। Level 1 पे मैट्रिक है। और आगे चलते हैं, आगे बताते हैं कि क्या क्या है इसमें। ये सब सारा चीज़ दिया हुआ है कि इनका नोटिफिकेशन डेट वगैरह, नोटिफिकेशन नंबर वगैरह ये सब दिया हुआ है। आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है इसको, ये मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। और एज के लिए एज रिलैक्सेशन जो है कैटेगरी वाइज हर एक गवर्नमेंट जॉब में जिस तरीके से होता है उसी तरीके से इसमें भी है। ये शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का है, OBC 3 साल है, EWS के लिए नो रिलैक्सेशन है, PWD के लिए 10 साल है, PWD अगर OBC है तो उसको 13 साल का है, PWD SC ST है तो उसको 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। पोस्ट का नाम क्या है, BPM, ABPM और डाक सेवक, तीन तरह का पोस्ट है। तो इसमें वो दिखाया गया है कि ये मैंने डिसेबिलिटी कैटेगरीज में कौन कौन आएगा, लो विज़न, डीफ है, और एक आर्म है, एक लेग है, लिप्रोसी है, क्यूट ड्वार्फिज्म है, एसिड अटैक विक्टिम्स है, स्पेसिफिक लर्निंग एबिलिटी, ये सब चीज़ है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की जहाँ तक मैं बात करूँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए जो है आपको 10th क्लास होना चाहिए, जिसमें आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और ये किसी भी बोर्ड से हो तब भी चलेगा, अगर मदरसा बोर्ड है, माध्यमिक बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, बिहार स्टेट बोर्ड है, UP स्टेट बोर्ड है, कोई भी बोर्ड हो, गवर्नमेंट बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि आपका मैट्रिक में मैथ और इंग्लिश सब एज अ सब्जेक्ट आप पढ़े हुए हों, और कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। आप मान लीजिए स्टेट बाय स्टेट ये पोस्ट है, बिहार में भी, मैं सारा चीज़ एक एक चीज़ आगे बताऊंगा, तो आपको लोकल लैंग्वेज, आप मान के चलिए आप UP के हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए, आप कश्मीर के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं तो आपको हिंदी और उर्दू दोनों आना चाहिए, अगर आप ये बिहार के हैं तो हिंदी आना चाहिए, उसी तरीके से आप तमिल हैं, केरल के हैं, तेलंगाना के हैं, तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है वो होना चाहिए। आप अगर वेस्ट बंगाल के हैं तो आपको बंगाली आना चाहिए। इसी तरीके से नॉलेज ऑफ, और ये चीज़ क्या है, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यानी आपको मोटरसाइकिल चलाने के लिए आना चाहिए। और आगे चलते हैं, नो पर्सन होल्डिंग एन इफेक्टिव ऑफिस विल बी कंसिडर्ड फॉर इंगेजमेंट टू द पोस्ट। नो पर्सन होल्डिंग एन इलेक्टिव ऑफिस,
पास्ट एक्सपीरियंस और सर्विस ऑफ एनी काइंड विल नॉट बी कंसिडर फॉर सिलेक्शन, ये सब कुछ नहीं है। आप सीधा मेरिट बेसिस पे आपका मैट्रिक में कितना अंक है उसके आधार पे ही आपका सिलेक्शन इसमें होगा। और आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब, आगे चलते हैं। हाँ सब मेथड ऑफ, ये इम्पोर्टेंट है, मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड फी। आपको एप्लीकेशन सबमिशन जो है सिर्फ और सिर्फ इसी ऑनलाइन माध्यम से ही होगा, और इंडिया पोस्ट gds.online.gov.in पे ही जाके करना है, और फीस भी यहीं पे जाके पे करना है। फीस की जहाँ तक बात है, फीस जो है वो 100 रुपीज़ है और SC ST के लिए 0 है। यहाँ पे लिखा हुआ पेमेंट ऑफ, ये देख सकते हैं, पेमेंट ऑफ फी इज़ एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, SC ST कैंडिडेट्स, PW कैंडिडेट्स एंड ट्रांस वुमेन कैंडिडेट्स। इन सभी कैटेगरी के लोगों के लिए फीस जो है एग्जेम्प्टेड है, उनके लिए फीस नहीं लगेगा। हाउ टू अप्लाई में आपको क्या करना है, इंडिया पोस्ट gds.online.gov.in पे जाना है। उसके बाद आपका नाम जो है वो कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी। उसके बाद आप PWD हैं या नहीं है उसमें यस नो का सिलेक्शन करना है। स्टेट इन विच 10th क्लास पास्ड, किस स्टेट से आप 10th क्लास पास किए हैं, ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास, ईयर ऑफ पासिंग आपसे पूछेगा। उसके बाद स्कैंड पासपोर्ट फोटोग्राफ, फोटोग्राफ होना चाहिए, स्कैंड सिग्नेचर होना चाहिए आपके पास। ओनली वन रजिस्ट्रेशन इज अलाउड फॉर वन कैंडिडेट फॉर Schedule 1 and 2। यानी एक ऑब्वियसली बात है कि कोई भी आप किसी भी चीज़ का फॉर्म भरते हैं तो आप एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ डिवीज़न एंड एक्सरसाइजिंग प्रीफ्रेंसेज, द कैंडिडेट कैन सेलेक्ट एनी वन डिवीज़न फॉर सबमिशन ऑफ हिज और हर कैंडिडेट फॉर ऑल द एलिजिबल पोस्ट ऑफ द सिलेक्टेड डिवीज़न। मतलब इसमें सीधी सीधी बात से मैं आपको समझा दूँ आसान भाषा में, कि आप किसी एक डिवीज़न को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बिहार एक डिवीज़न है, और UP एक डिवीज़न है, दिल्ली एक डिवीज़न है, हिमाचल एक डिवीज़न है, यानी स्टेट बाय स्टेट है, तो आप किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप बेसिकली जहाँ के हैं वहीं का सिलेक्ट कीजिए, ताकि आप इस पोस्ट को, इस नौकरी को घर पे रह के कर सकें, बेहतर होगा। और प्रोसीजर ऑफ फी पेमेंट, जब आप उसी में भरते जाएंगे एप्लीकेशन, आप जब पूरा सबमिट करेंगे लास्ट में आपको फ़ी पेमेंट करना है डायरेक्टली। और डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड क्या करना, द कैंडिडेट मस्ट अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्मेट्स एंड साइज प्रिस्क्राइब्ड। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है ये देखिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स जो है आपका फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो फोटो का साइज है वो 50 KB से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये मैंडेटरी है, कंपलसरी, इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर भी JPG में, और सिग्नेचर का साइज जो है वो 20 KB से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये भी मैंडेटरी है, इसके बिना फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद सबमिशन ऑफ 10th क्लास मार्क्स डिटेल्स, यानी आपको मार्कशीट जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, अंडरटेकिंग देना है। चलिए ये तो मैं बता दिया कि फॉर्म किस तरीके से भरना है। अब मैं थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल के बारे में बता देता हूँ। जॉब प्रोफाइल में क्या है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, BPM का जो पोस्ट था उसका मतलब है ब्रांच पोस्ट मास्टर। ब्रांच पोस्ट मास्टर का बेसिकली क्या क्या काम होगा, ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होगा कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यूजिंग द हैंड हेल्ड डिवाइस, मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन्स। अच्छा, बेसिकली आप लोग सब जानते होंगे कि आपके बगल में, आपके घर के पास, आपका कहीं ना कहीं आपके आसपास में कोई ना कोई पोस्ट ऑफिस है, उस पोस्ट ऑफिस में आपका जॉब होना है। और पोस्ट ऑफिसर का जो काम होता है, एक पोस्ट ऑफिसर का जो काम होता है वही काम आपको करना है। अपने अकाउंट खोलना है, अपने जितना भी ये चिट्ठी वगैरह कुछ आता है या कोई पार्सल आता है बाय पोस्ट, उनको आपको सेग्रीगेट करना है, उनको उस तक पहुंचाना है। बेसिकली अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर है तो आपको नहीं जाना, जो डाक सेवक रहेगा वो आप पहुंचाएगा, है ना। पोस्टल है, प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये सबको आपको बेचना है, ठीक है। एक पोस्ट मास्टर का जो काम होता है वही आपने करना है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर क्या है, इसको क्या करना है, इसमें जॉब प्रोफाइल में क्या है, सेल्स ऑफ स्टाम्प स्टेशनरी कन्वीनियंस डिलीवरी ऑफ मेल एट टोर स्टेप, ये बेसिकली हो गया जो आपका पोस्टमैन होता है जो आपको देने के लिए आता है वो चीज़ है, ये है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, एक है डाक सेवक। डाक सेवक
और तीसरा पोस्ट है डाक सेवक। डाक सेवक विल बी इंगेज इन डिपार्टमेंटल ऑफिसेज लाइक सब पोस्ट ऑफिसेज, हेड पोस्ट ऑफिस एट्रा। द जॉब प्रोफाइल ऑफ डाक सेवक विल इंक्लूड, वही है डाक सेवक और असिस्टेंट पोस्ट मास्टर सेम ही है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सब बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्यों नहीं बता रहे हैं। तो चलिए आप सबका इंतजार खत्म करते हुए सिलेक्शन क्राइटेरिया बताते हैं। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द मेरिट पोजिशन ऑफ द कैंडिडेट एंड द प्रिफ्रेंसेस ऑफ पोस्ट सबमिटेड। दिस शैल बी सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द रूल्स। यानी आप इसको आसान भाषा में समझिए इस बात को कि आप जैसे सारा चीज़ अप्लाई किए, ऑनलाइन अप्लाई कर दिए, करने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली वो मेरिट लिस्ट जनरेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ आपका 10th में मार्क्स क्या है और जो वो चीज़ मांगा है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो चीज़ उन्होंने उनका क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया जो जो मांगा है, आप अगर उस क्राइटेरिया में क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, मार्क्स अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, तो आपका मेरिट लिस्ट पे नंबर 1 पे आएगा नाम। अगर आप नहीं किए हैं तो आप मेरिट लिस्ट से छट जाएंगे। उसके बाद नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विल बी सेंट ओनली टू द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट बेस्ड ऑन मेरिट एंड प्रीफ्रेंसेस सबमिटेड। यानी जैसे आप मेरिट लिस्ट जनरेट हो गया, मेरिट लिस्ट जनरेट होने के बाद क्या होगा, जो जो मेरिट लिस्ट में आएगा उन सभी बच्चों को, उन सभी कैंडिडेट्स को क्या किया जाएगा कि उनको मेल के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए अपना डॉक्यूमेंट्स जो आप दिखाए हैं कि हाँ 10th में मेरा इतना मार्क्स है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए किसी जगह पे बुलाया जाएगा। और जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो ऑब्वियसली यहाँ थर्ड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जब आप जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके साथ जो है सभी चीज़ जो है ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक है। द प्रोविजनल इंगेजमेंट लेटर विल बी इशूड थ्रू ईमेल एंड नोटिफिकेशन थ्रू एसएमएस इन केस देर इज नो रिस्पॉन्स विद इन द गिवन टाइम इन सेट प्रोविजनल इंगेजमेंट लेटर और फाइनल रिमाइंडर थ्रू ईमेल एसएमएस रजिस्टर्ड पोस्ट विल बी सेंट गिविंग एडिशनल टाइम टू रिपोर्ट फॉर ज्वाइनिंग। इसके बाद आप अगर सब चीज़ हो गए, आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हो गया, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर वगैरह भेज दिया जाएगा। वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ओनली मार्क्स ऑब्टेंड इन 10th स्टैंडर्ड ऑफ अप्रूव्ड बोर्ड्स एग्रीगेटेड टू परसेंटेज टू द एक्यूरेसी ऑफ 4 डेसिमल्स विल बी द क्राइटेरिया फॉर फाइनलाइजिंग द सिलेक्शन। यानी वेटेज जो है किसको, नो वेटेज विल बी गिवन। यानी आप अगर इसमें 10th क्लास मांग रहा है, आप अगर 12th का दे रहे हैं, ग्रेजुएशन का दे रहे हैं, MA का दे रहे हैं, मास्टर्स का दे रहे हैं, PhD का डिग्री दे रहे हैं, तो वो चीज़ आपको मायने नहीं करेगा। आपका मायने करेगा कि मैट्रिक में, आपका मैट्रिक में कितना मार्क्स है, उसके आधार पे ही आपका वेटेज बनेगा। आगे चलते हैं, आगे और क्या क्या है। फॉर एप्लीकेंट्स हैविंग बोथ टोटल मार्क्स एंड ग्रेडिंग पॉइंट, दैट मीन्स मार्क लिस्ट इशूड विद टोटल मार्क्स एंड ग्रेडिंग पॉइंट both, in such cases the method will be used as follows. The candidate's total marks will be worked out while ignoring the grade point. यानी total marks आपका कितना है, मान लीजिए जो CBSE board है उनका क्या होता है, grade point में होता है 8 grade, 8.5, 9, 9.5, 9.7, ऐसे grade में marks आता है। लेकिन बिहार वाले का क्या होता है कि जो बिहार बोर्ड से होता है उनका क्या होता है, marks होता है, जैसे 100 में से आप कितना 70-80 लेके आए, परसेंटेज कितना है। तो ग्रेडिंग सिस्टम अगर है तब भी आपका टोटल मार्क्स कितना आया है उसके ऊपर जाएगा, और अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, मार्क्स सिस्टम पे है, तो वो मार्क्स के आधार पे ही मेरिट लिस्ट जनरेट होगा। और जो भी ग्रेड रहेगा उनको 9.5 से मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो होगा वो 9.5 होगा। आगे चलते हैं, उसके बाद इंस्ट्रक्शन में कुछ खास नहीं है, सेक्शन में वही जो मैं बताया आगे वही सब सारा चीज़ है इसमें। आगे चलते हैं, ये अंडरटेकिंग आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ये अंडरटेकिंग में जैसे आई डैश सन डॉटर ये भर देना है, भर देने के बाद आपको यहाँ नीचे सिग्नेचर करने के लिए बोलेगा, सिग्नेचर, नेम ऑफ एप्लीकेंट कैंडिडेट्स है ना, एड्रेस, प्लेस, डेट, जो आप एक होता अंडरटेकिंग में उसी तरीके से ये डिक्लेरेशन में भी वैसे ही करना है। डिक्लेरेशन में बेसिकली क्या डिक्लेयर करना है कि हाँ हमको जो है आई एम ऑल्सो एबल टू राइड अ स्कूटर मोटर बाइक ऑप्शनल, ठीक है।
ये डिक्लेयर करना है। उसके बाद अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग में वही सेम फॉर्म, बस ये तीन फॉर्म आपको भर के उसको अटैच करना है। ये भी अंडरटेकिंग है, इसको भी फॉर्म फिल करके भरना है। और इसी तरीके से ये भी एक अंडरटेकिंग है, इसको भी फॉर्म फिल करके भरना है कि आप जो भरे हैं सब चीज़ सत्य, जैसे होता है ना कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से मेरे विश्वास मात्र से सत्य ये सही है, अगर गलत पाया जाता है तो हम कानूनन जो है इसका भागीदार होंगे। वही है, आई शैल बी लायबल फॉर क्रिमिनल और लीगल एक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग एनी ऑफ फॉल्स डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा, वही चीज़ है। तो दोस्तों देर नहीं कीजिए, जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। आज आपका 6 तारीख हो गया है, 6 मई हो गया, 2 मई को निकला हुआ है। आप देर नहीं कीजिए, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप जितने लोग फॉर्म भरेंगे आप सबका इसमें सिलेक्शन हो, मैं यही कामना करता हूँ। और आप सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ, ऑल द बेस्ट कहता हूँ। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर इंडिवियर। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।